पंजाब, जहां 17 साल के एक लड़के ने एंड्रॉइड मोबाइल गेम पबजी में 16 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो कि उसके पिता के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अलग से सेव करके रखे हुए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़के ने अपनी मम्मी का सेविंग अकाउंट और खुद का भी बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली कर दिया था, सिर्फ उस पबजी मोबाइल में कुछ वर्चुअल चीजों को खरीदने के लिए। और क्या है सिर्फ इंडिया में? नहीं, अमेरिका में एक इंसान को सुबह सुबह अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से एक अलर्ट मैसेज आता है कि उसके कार्ड से $200 से ज्यादा कट चुके हैं। बाद में ये पता चला कि उसके ही बेटे ने उसके कार्ड से कुछ चीजें परचेस करी थी। 2000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन एडल्ट्स पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें 56% लोगों ने ये कहा कि उनके बच्चे उनको बिना बताए ही उनके पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आखिर ये जो टीनेजर्स हैं आजकल इतने पैसे खर्चे कहां कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वही आज हम लोग जानने वाले हैं। टीनेज, ये वो टाइम होता है जब हम दुनिया की नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस होते हैं। हमारे ऊपर पीयर प्रेशर होता है, अपने आसपास के लोगों और अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स से हमको काफी नई नई चीजों के बारे में पता लगता है। और इस एज में सबसे बड़ी कंपटीशन होती है दूसरों से बेटर बनने की, और इसी के चलते हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। फैमपे की तरफ से इंडियन टीनेजर्स पर एक सर्वे किया गया था। अकॉर्डिंग टू इट, लगभग 80% से ज्यादा टीनेजर्स पसंद करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करना, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा टीनेजर्स आज भी डिपेंडेंट है कैश पर, या तो अपने पेरेंट्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर। और यही एक मेजर प्रॉब्लम बनता है कि अपने पेरेंट्स को बताए बिना उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करना। तो टीनेजर्स के स्पेंडिंग हैबिट्स को समझने के लिए लगभग 1200 इंडियन टीनेजर्स पर एक सर्वे किया गया था, जिनका एज ग्रुप 19 से 20 साल के बीच था, जो कि बड़ी बड़ी सिटी से बिलोंग करते थे, लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। अब उस 1200 टीनेजर्स में 68% मेल थे और 32% फीमेल। और सर्वे के रिजल्ट से हमको ये पता चला कि जो टीनेजर्स हैं वो अपना पैसा फूड, क्लॉथ्स और गैजेट्स पर खर्च करते हैं, और जब फूड पे खर्च करने की बात आती है तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बराबर होते हैं। अब अगर गैजेट पर स्पेंड्स की बात करें तो 64% बॉयज आते हैं और ओनली 21% गर्ल्स आती है। 66% टीनेज गर्ल्स प्रेफर करती है कपड़ों पर ज्यादा खर्च करने, और ओनली 49% बॉयज कपड़ों पर खर्च करना पसंद करते हैं। अच्छा, टीन्स के बीच ये ब्रांड को लेके काफी ज्यादा कंपटीशन चलता रहता है, भाई मेरे पास ज्यादा ना ब्रांडेड क्लॉथ्स होनी चाहिए, मेरे पास ज्यादा ब्रांडेड एक्सेसरीज होनी चाहिए, इसी चीज में ना वो लोग अपना ज्यादातर पैसा फूंक देते हैं। तो अगर टीनेजर्स के खर्चों को एक सीक्वेंस में रखा जाए तो कुछ ऐसा होता है। नंबर वन पे आता है फूड। अब देखो, जो इंडियन टीनेजर्स है ना, खाने के बड़े ज्यादा शौकीन होते हैं, और आजकल का तो ट्रेंड है कि भाई जंक फूड कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है। और आजकल तो पैसे खर्च करने के लिए बड़ी सारी जगह बनती जा रही है, जैसे रेस्टोरेंट, डोमिनोज, कैफे। और तुम अपने अगर घर के आसपास देखोगे तो बहुत सारे तुमको छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे जिसमें जंक फूड बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो भाई टीनेजर्स इसमें ना फूंक फूंक के पैसा खर्च करते हैं। नंबर टू पे अगर देखेंगे तो वो आता है फिर फैशन। आजकल हर कोई ना फैशन के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहना चाहता है, और इसलिए वो जो है नए नए ब्रांडेड क्लॉथ्स, एक्सेसरीज खरीदते रहते हैं। उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना है, इस ब्रांडेड के चक्कर में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है इनका। नंबर थ्री पे अगर देखेंगे तो फिर शॉपिंग आ जाती है। फिर वैसे टीनेजर्स में अमेजोन जो है एक बहुत ज्यादा फेमस वेबसाइट है। अब जो पैसा बच जाता है ना, लोग फिर एक दूसरे को देख के ना कुछ कुछ एक्सेसरीज खरीदने लग जाते हैं, कुछ कुछ गैजेट्स खरीदने लग जाते हैं, अमेजोन में जाके वेबसाइट पे शॉपिंग करेंगे। थोड़ा बहुत जो पैसा बच गया था वो फिर इसमें फूंक देते हैं। अब इनसे भी ऊपर लेवल के कई टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि उनको जो है ना अब ऑनलाइन गेम्स का एडिक्शन हो चुका है। वो अपना सारा पैसा इन सब में खर्च ना करके उन ऑनलाइन गेम्स में खर्च करते हैं। तो ऑनलाइन गेम्स में खर्च करेंगे, या तो ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले स्ट्रीमर्स को सुपर चैट करने में पैसा खर्च कर देते हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो उनका सिर्फ नाम ले ले बस। और यार आखिर इतना सब ऐसे हो क्यों रहा है? क्या उनके पास एक्चुअल में बहुत सारा पैसा है? ऑफ कोर्स नॉट। इसका एक मेन प्रॉब्लम यही है कि टीनेजर्स को ना फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं। और दूसरा कारण ये है कि आज उनके सामने ना यार हर चीज बहुत इजी तरीके से अवेलेबल हो चुकी है। उनको ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन मिल चुका है, ऑनलाइन गेम्स खेलने का ऑप्शन मिल चुका है, बस कुछ डिटेल मिल जाए और वो अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकती है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी मजेदार वीडियो चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ।